जिसको आप रब कहते हैं हम भी उसी को रब कहते हैं, जिसको आप पूछते हैं रब को उसको हम भी पूछते हैं। जिस रब को आप रब कहते हैं हम भी उसको रब कहते हैं। इज नॉट वॉटर, इट इज यूरिन। यू कैन कॉल यूरिन एज वॉटर, द डेफिनेशन ऑफ वॉटर। यू कैन कॉल सनी, यू कैन कॉल वॉटर, यू कैन से रहमान, यू कैन से रहीम, यू कैन से करीम, यू कैन से रब, बट यू कैन कॉल गॉड एज मैन, यू कैन कॉल गॉड एज इंसान। देयरफॉर यू कैन कॉल वॉटर इज यूरिन। एंड हम भी उसी किस्म का खाना खाते हैं, आलू गोश्त आप भी खाते हैं, आलू गोश्त मुझे भी बड़ा पसंद है। उनके खाने अलग हैं, उनके यहां गाय का पेशाब सबसे ज्यादा पाक चीज दुनिया में शुमार होती है। हमारा एक ही कल्चर था, एक ही हमारा जो हेरिटेज है, एक ही मुआशरे के हम लोग थे। दैट पाकिस्तान टू बी बेस्ड ऑन श्योर फाउंडेशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड इस्लामिक सोशलिज्म। तो वो जो बीच में एक बॉर्डर आ गया बस, वो यानी कि एक बॉर्डर आया, बाकी तो आप हम उसी सोसाइटी के। ये बातें थी कुछ जो दिल से निकली हैं, दिल सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि दिल से निकली हैं। हम अफगानिस्तान में माल भेजना चाहते हैं, आपको उसमें दिक्कत है अपनी टेरिटरी से, ठीक है। और मैं तो समझता हूँ कि क्या ही अच्छा होता कि यही मोटरवे जो है ये आगे वागा से आगे हिंदुस्तान इसको उसमें दोनों की ट्रेडिंग होनी चाहिए, दोनों साइड से इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, तब जाके आपके यहाँ इसको बनाता और कलकत्ते तक लेके जाता। वहां से तो चीजें आएगी, उसमें गाय का पेशाब पैक मिलता है, वो खाने पे छिड़कते हैं, घर में छिड़कते हैं, किचन साफ करते हैं, घर की सफाई करते हैं, दावत का सामान सजाते हैं, मेहमानों के लिए उसके लिए गाय का पेशाब छिड़क रहे होते हैं। मेम्ब्रान है आप, हम जो है वो एक ही कल्चर है, एक ही जो है वो हमारा जो है वो बैकग्राउंड है। जो फर्क एक जानवर में हो सकता है और एक इंसान में हो सकता है। हिंदुस्तान ने टैंक खरीदे हैं तो हमने भी लाजम कर लिया कि हमने भी खरीदने हैं टैंक्स। आगे वागा से आगे हिंदुस्तान इसको बनाता और कलकत्ते तक लेके जाता। आप देखें, एक तरफ तो लाहौर डिक्लेरेशन हो रहा है और दूसरी तरफ जो है वो कारगिल का वो एडवेंचर मिस एडवेंचर करके मेरी पीठ पर छुरा घोंपा गया।